पानीपत सामान्य बस स्टैंड पर पीने के पानी के लिए लगाए गए वाटर कूलर में करंट दौड़ रहा है। गर्मी से बेहाल कोई यात्री यदि अपनी प्यास बुझाने गलती से वाटर कूलर की टोंटी को हाथ लगाता है तो टोंटी से पानी आने से पहले ही करंट का तेज झटका महसूस होते ही वह पानी पीना ही भूल जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझता है। कुछ लोगों को करंट लगने के बाद हमने मौके पर तैनात कर्मचारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें वाटर कूलर में करंट आने के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर वाटर कूलर को ठीक कराया जाएगा। मैं पानी पीने आया था यहाँ, तो इसके अंदर करंट आया हुआ था। अच्छा, और मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, क्योंकि हजारों यात्री आते हैं, कोई बच्चा या बूढ़ा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी। आप हर रोज़ आते हो? हाँ, मैं हर रोज़ आता हूँ। लगता है आपको कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? हो सकता है। क्या नाम है? अंकित है। खड़े हैं भाई साहब, इसमें करंट है और ये कोई भी बाहर का व्यक्ति आ रहा तो पानी पिएगा तो उसको करंट लग सकता है, क्योंकि जानकारी नहीं है, क्योंकि तो ये ठीक करवाया जाए। काफ़ी दिनों से इसमें ये समस्या है, हल्का हल्का करंट आता है, कभी भी ज़्यादा भी हो सकता है, यानी किसी के लिए दुर्घटना साबित कर सकता है। जैसे हजारों आदमी आते हैं, आपको लगता है कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है? हो सकती है, दुर्घटना तो एक दो आदमी के साथ ही होगी, करंट की या कोई आओगा फिर उसके लिए ये ठीक करवाना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि पहले भी करंट आया कई बार, तो लगता नहीं आपको ये जो बस स्टैंड के जो अधिकारी कर्मचारी इनकी लापरवाही है? नहीं, पहले ये तो हमने इतना किसी को बोला नहीं, क्यों पहले थोड़ा बोल रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? ये बस इसका समाधान करवाया जाए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और पानी पीने के लिए। ठीक, क्या नाम भी आ सकता है? क्या नाम है आपका? विशु। कई यात्रियों को लग भी चुका है करंट? हाँ जी, हम इसको कल नए इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, उसको चेक करवा के उसको ठीक करवाएंगे। पहले हमारे नॉलेज में नहीं था, क्यों जो पानी पीते हैं तो उन्होंने बताना चाहिए था, और आज पता चला है भाई करंट पे आया हुआ है तो उसको बुला के। अभी एक यात्री ने हमारे को बताया कि पहले भी उसको दो तीन बार यहाँ से करंट लग चुका है, तो क्या प्रशासन बस अड्डे का कोई बड़े हादसा होने की इंतजार कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। इसमें हमें कल नए इलेक्ट्रिशियन से चेक करवा के ठीक करवा देंगे। बताया कि पहले भी कई बार करंट आया, या तो आपने से कोई नोटिस उसको उसको लिख के दिया था हमने इलेक्ट्रिशियन को, भाई जहाँ जहाँ खराब है वहाँ ठीक किया करो, उनको ठीक चेक किया करो। क्या नाम है आपका? रजिंद्र। क्या है आप? सटैंड ड्यूटी।